देख रहे हैं CN24। बड़ी खबर आ रही है पडरौना कोतवाली के भरवलिया गांव से, जहां अवैध संबंध के चक्कर में पति बना कातिल। एक व्यक्ति ने अपने परिवार को ही मौत के घाट उतार कर किया मानवता को शर्मसार। जी हां, बात है भरवलिया गांव की, जहां एक पति ने अपने नाजायज संबंध की खातिर अपनी पत्नी को चाकू से गोद कर मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, निर्ममता की हद तो तब पार हो गई जब उसने अपने खुद के बच्चों को भी नहीं बख्शा और उन्हें भी मौत की नींद सुला दिया और आखिर में खुदकुशी कर अपनी भी जान ले ली। आपको बता दें कि मृत महिला अपना और अपने बच्चों का भरण पोषण स्वयं ही सिलाई और बच्चों को पढ़ा कर किया करती थी, क्योंकि उसके पति की घर खर्च में कोई सहभागिता नहीं थी। क्या किसी की जान इतनी ही सस्ती है? उन बेचारे मासूमों का क्या दोष था जिनसे उन्हें जीवनदान देने वाले ने ही जीने का अधिकार छीन लिया? क्या अपनों को मौत के घाट उतारना उस व्यक्ति का प्रायश्चित था या बस अपना तनाव दूर करने का एक माध्यम भर? बड़ा सवाल यह है कि जब जीवन रक्षक ही जीवन भक्षक बन जाए तो ऐसे में समाज में सुरक्षा का अस्तित्व कैसे बचेगा? ये एक माधव मुरारी सिंह है जो फार्मासिस्ट है कप्तानगंज में। उसके अपनी पत्नी से तलाक का विवाद चल रहा था, उसके तीन बच्चे भी थे, एक बेटी 10 साल की लगभग, एक दो बेटे 8 साल और 3 साल के थे। तो उसकी बेटी ने अभी बताया है जो 10 साल की है कि रात में करीबन सब खा पी के जब सो गए हैं, रात में 12 बजे के आसपास उसके पिता ने उसकी माँ की जो है को मारना शुरू किया, जिसपे हल्ला मचने पे चाकू से मार रहे थे। ये तुरंत उठ के भागी है छत की तरफ और बचाव करने के लिए इसकी माँ भी छत की तरफ भागी, तो जो कि आधे रास्ते में ही बता रही गिर गई। उसके बाद उसने नीचे ये छत के ऊपर भाग गई, उसने अपने दोनों बच्चों को मार लिया और फिर इसके मारने के लिए छत पे आया, लेकिन इससे बात हो रही थी तो इसने उसने कहा तुम्हें भी मार देते हैं लेकिन पत्ती कर देते हैं, लेकिन ये भाग के छत पे चली गई दूसरे और उसको नहीं करवाया, वापस लौट करके उसने स्वयं भी आत्महत्या कर लिया और इस संबंध में बाकी विधिक कार्रवाई की जा रही है। आप देख रहे हैं CN24।